एक एसटी कॉइल में दो लीड होती है और एक एसटी कॉइल में सिंगल लीड होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू एस प्रैंक। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो का। दोस्तों आज हमारे पास आई है डोमिनोर, और दोस्तों ये आई थी मेरे पास बाइक सुबह सुबह। कस्टमर का कहना है ये कि इस बाइक को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए गाड़ी स्टार्ट हो जाए, फिर अचानक से खट करके बंद हो जाती है। तो पता नहीं इस बाइक के अंदर क्या दिक्कत है, चेक करते हैं इस बाइक को, आके दिक्कत क्या निकलती है। स्टार्ट करता हूं इसको और स्टेप बाय चेक करने का तरीका वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, और कुछ क्या दिक्कत है, कैसा क्यों हो रहा है। और ये जो बाइक है हमारे पास टो होके आई थी, मेजर प्रॉब्लम है तभी टो होके आएगी, तो चेक करते हैं स्टार्ट से, देखते हैं इसमें बैटरी में दिक्कत है, किस में दिक्कत है। चलो सबसे पहले तो देखते हैं इसकी बैटरी। बैटरी में यहाँ से देख रहा हूँ बाइक के अंदर नई डला चुके, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि भैया इसमें मुझे लग रहा है बाइक बैटरी की दिक्कत है, तो इसलिए उन्होंने बैटरी चेंज करा। चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करे। तो दोस्तों ये रही वो डोमिनोर जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो मैं बात करूँ सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका जो टैंकी का कवर है उसको मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के रख दिया, जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों निकाल दिया, क्योंकि अब जो है काम करने में हमें आसानी हो जाएगी और जो हमारे हाथ है वो तेजी के साथ चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, इसको सेल्फ मारेंगे, और हाँ जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हम काम किसके ऊपर करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पता नहीं लगेगा तो आगे आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम है वो शो कर देता हूँ कि किस क्या दिक्कत है, मतलब कैसी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने उनको स्टार्टिंग में बताया था, कस्टमर का ये कहना है कि भैया स्टार्ट करते हैं 2-3 सेकंड स्टार्ट होती है बट सडनली फिर बंद हो जाती है। सबसे पहले एक बार सेल्फ मारते हैं। चलिए सबसे पहले चाबी को करते हैं ऑन और देखते हैं इसके अंदर कहीं कोई मीटर में कोई एरर कोड वगैरह तो नहीं, कोई ईसीएम की लाइट नहीं। तो यहाँ पे मीटर में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कुछ भी लाइट नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रही है। ठीक, जब वो लाइट आती है आपको पता है सेंसर वगैरह की दिक्कत होती है तभी आती है। हाँ, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, जैसे फ्यूल पंप खराब हो जाना और भी कुछ एक दो सेंसर होते हैं जो यहाँ पे रीड नहीं होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉब्लम की। यहाँ पे मैंने चाबी ऑन करी, ये किल स्विच को ऑन करा, अब इसको सेल्फ मारते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या आगे दिक्कत आने वाली है। ये देखो एक बार और ट्राई करता हूँ, अब हो गया। ये देखो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ लेकिन, और ये यहाँ पे न्यूटन भी है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है सेल्फ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी फिर से एक बार, चाबी को ऑफ करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेल्फ ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि एक बार हमें इसके साथ जो है बैटरी, दूसरी बैटरी जो हमारे पास होती है स्टॉक में, जिसे हम और भी बाइक स्टार्ट करते हैं, जो हमारी पर्सनल बैटरी है उसको यहाँ पर टच करते हैं और फिर एक बार सेल्फ मारते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अख्तर भाई की मदद लेनी पड़ेगी बैटरी लगाने के लिए, और फिर मुझे सेल्फ मारना पड़ेगा ताकि जो इसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है वो एक बार आपको मैं दिखा दूँ, उसके बाद जो इसके अंदर काम करना है वो भी हमें प्रॉपर चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों भाई तो अभी कहीं गए हुए हैं, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैटरी हमेशा टो करने से पहले प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें। इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें ही प्लस माइनस है, जो प्लस में है वो प्लस में, जो माइनस में वो माइनस में। ठीक है, बैटरी को करते हैं फटाक से ऐसे ही रखते हैं, चलो उल्टा और फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे बैटरी को टच और फिर मारेंगे सेल्फ। तो यहाँ पे ये हो गई टच, भाई ऐसे मुश्किल है। तो भाई मुझसे अकेले तो लग नहीं रही है क्योंकि वो अख्तर भाई आ गए, तो अख्तर भाई बैटरी पकड़ना फटाफट। ठीक है, अब अख्तर भाई के साथ बैटरी पकड़वाते हैं, मतलब अख्तर भाई बैटरी पकड़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले में और मारते फिर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे अख्तर भाई ने बैटरी पकड़ ली और अब मारते हैं सेल्फ। ठीक है, ये सेल्फ नहीं ले रही यार, चाबी ऑफ करो एक बार, चाबी ऑफ करते हैं भाई, क्या हो गया सेल्फ नहीं ले रही, यही दिक्कत है इसके अंदर कि चाबी ऑन करने के बाद भी मतलब सेल्फ नहीं लेती। ठीक है, मारते हैं फिर इसमें सेल्फ, ये देखो स्टार्ट नहीं करना, लगाओ ढंग से लगाओ, यहाँ पे ना ये ठीक से लग नहीं पा रही, इसमें किस में दिक्कत है, ये तो दिक्कत है इस बाइक के अंदर ना। ठीक है, ये देखो अभी नहीं, अभी दिक्कत आई नहीं, अभी दिक्कत जो है सुनाने वालों में। ये देखो यहाँ पे बाइक स्टार्ट होगी और ये बंद होगी। दोस्तों यही वो प्रॉब्लम है जो आपको दिखाने वाला था, एक बार और ट्राई करो भाई, ये देखो अभी नहीं होगी स्टार्ट, अब नहीं होगी स्टार्ट, एक बार हो गई तो हो गई, उसके बाद सेल्फ मारते रहेंगे, बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही। तो यही प्रॉब्लम है, लास्ट तक बने रहना दोस्तों वीडियो के अंदर, बहुत ज्यादा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कंटिन्यू वीडियो को बस देखते रहना आप। चलो दोबारा से मारो एक बार सेल्फ, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, खट करके बंद। तो क्या दिक्कत हो सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बिना स्किप करे। दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों यही दिक्कत है इसके अंदर, एक बार सेल्फ ले लेगी, थोड़ी देर स्टार्ट होगी और फिर बंद हो जाएगी, और उसके बाद फिर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो है। चलिए दोस्तों फटाफट से अब एक एक करके इसमें, सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूंगा, चेक इसका बैटरी का वोल्टेज चेक करता हूँ सबसे पहले।
और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करने वाले, ठीक है ना दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें ना एक बार इसकी ना बैटरी को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो बैटरी है इलेक्ट्रिशियन हो सकता है बैटरी के अंदर दिक्कत हो या जिसकी वजह से जो स्टार्ट हो रही है बंद हो रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं, कोई भी एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे कि हाँ इसमें दिक्कत हो सकती है इसमें हो सकती है। इसलिए क्या करेंगे, बैटरी को यहाँ पे चेंज करेंगे। हमारे पास जो स्टॉक में जो बैटरी होती है चार्जिंग पे, उस वाली बैटरी को लेंगे जो हमारे पास प्रॉपर चार्ज होती है बैटरी, उसको लगाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे सब कुछ, और देखते हैं आखिर दिक्कत है किसके अंदर। चलिए दोस्तों सबसे पहले बैटरी को चेंज करता हूँ और फिर आगे का काम करते हैं। तो फटाफट से ये वाली बैटरी जो गाड़ी की है, और आप देख सकते हो एकदम नई बैटरी है, जो कस्टमर ने अभी हफ्ते 10 दिन पहले बैटरी को चेंज कराया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ना बैटरी को चेंज कर दिया, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर सबसे पहले एक बार सेल्फ मारते हैं और देखते हैं क्या बाइक जो दिक्कत थी वो कुछ खत्म हद तक हुई या नहीं हुई, जैसे भी है चलो फटाफट से सेल्फ मारते हैं। अरे वाह क्या बात है, देख रहे हो स्टार्ट हो गई और सडनली बंद भी हो गई। मुझे लगा था दोस्तों कि जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो गई, लेकिन आपने जैसा कि सुना होगा ध्यान दिया होगा गाड़ी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आए स्टार्ट थी, जैसे बैटरी दिखा रहा था कि बैटरी की डालने की वजह से जो है प्रॉब्लम थी ख़त्म हो गई, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी जो है बंद हो गई। तो एक बार और ट्राई करते हैं, देखो एक बार और सेल मारते हैं। ओहो अब नहीं होगी, चाबी को ऑफ करके देखते हैं एक बार और ऑन करते हैं, अब फिर से सेल मारते हैं। क्या बात है होगी स्टार्ट, देखो फिर बंद। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कैमरा लेके आ रहा हूँ और इतनी देर में कितने सेकंड होते हैं वो आप काउंट कर लेना, गाड़ी जो है फटाफट से बंद हो रही है। तो यही दिक्कत है इसके अंदर, तो हमें आज ख़त्म करनी है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि हमने बैटरी कर ली, अब सीधा करते हैं इसका फ्यूल पम्प चेक, हो सकता है फ्यूल पम्प के अंदर दिक्कत हो, उसे भी देखेंगे क्या दिक्कत है फ्यूल पम्प के अंदर। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और, जो फ्यूल पम्प के अंदर जो दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ वो होती है गर्म होने के बाद दिक्कत आती है, तब लगता है कि हाँ प्रेशर छोड़ रहा है। अभी क्या हमारी गाड़ी बिल्कुल ठंडी है, तो जो पंप की दिक्कत है वो ठंडे में मुझे लगता है सकती है 50% दिक्कत है भी और 50% नहीं भी। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार पंप को चेक करते हैं। पंप को दोस्तों मैं सोच रहा था पंप को चेक करने से पहले क्यों ना एयर फिल्टर बॉक्स को चेक कर लिया जाए, पंप से ज़्यादा बेस्ट है कि जो पहले है वो एयर फिल्टर बॉक्स को चेक करना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए एयर फिल्टर बॉक्स को चेक करेंगे, कहीं इसके अंदर कोई एयर को रोकने के लिए कोई कपड़ा कुछ भी मतलब कोई चीज़ तो नहीं पड़ी जिसकी वजह से एयर जो है पूरी तरह पास नहीं हो रही। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ना एयर फिल्टर बॉक्स को खोल दिया और ये देखो ये रहा एयर फिल्टर, ठीक है ये देखो। तो एयर फिल्टर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से और आप भी देख रहे हो, ठीक है एयर फिल्टर ज़्यादा चौक नहीं है चलेगा ये। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि इसका कहीं मुँह दबा तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर है, यहाँ पे जो है ठीक है इतना तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। तो ये जो है ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं इसके एयर फिल्टर को अंदर से चेक करते हैं कहीं यहाँ पे कोई कपड़ा वगैरह तो नहीं आ गया, चूहे वगैरह तो वैसे भी घूमते रहते हैं गाड़ियों में तो कहीं वो कुछ उठा के ले आए हों। तो ये देखो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मैंने ये वाला हॉल और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था ये क्लियर होना चाहिए पास होना चाहिए, इसके बीच में अगर कुछ भी आ जाएगा तो अभी दिक्कत आएगी यही वाली। तो अभी मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ से और आप भी देख रहे हो तो ये क्लीन है एकदम, मतलब ठीक है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ तक ठीक है सब कुछ, अब फाइनली इसका पंप है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से वापस से इसको सेट करते हैं और लगाते हैं टैंकी और उसका प्रेशर चेक करते हैं पंप का। दोस्तों यहाँ पे ना मैंने पंप के प्रेशर को चेक किया है और फ्यूल पंप को चेक किया है, जो इसका प्रेशर है मुझे इसके अंदर जो है पंप में दिक्कत नहीं लगी कहीं पे भी। तो अब मैं क्या करता हूँ ये जो पंप की प्रॉब्लम थी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो आपकी बाइक में कहीं क्या दिक्कत है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जो बाइक है उसमें पंप में ही दिक्कत है या फिर बैटरी में ही दिक्कत है या फिर एयर फिल्टर बॉक्स में एयर फिल्टर जो है वो चॉक हो गया हो। तो ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत आती तो आप उसे ठीक कर सको, या आपकी बाइक है और आपके साथ भी ऐसा ही इशू आ रहा है ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आप उसको कैसे ठीक करवा सकते हो अपने मैकेनिक से। अगर नहीं करवा सकते हो तो हमारा जैसे कि डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप का लिंक है तो आप हमारे पास अपनी बाइक लेके आ सकते हो और जो आपकी बाइक में जो भी प्रॉब्लम है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ भी प्रॉब्लम है वो हम इसको फटाक से ख़त्म करके आपको एकदम ओके की बाइक दे देंगे चलाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसके जैसे कि मैंने आपको बताया पंप चेक कर लिया, पंप ठीक है। अब इसका चेक करते हैं, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है एसटी कॉइल स्पार्क प्लग, हो सकते हैं इनके अंदर दिक्कत हो कि ये जो है करंट छोड़ते हैं या लीड के अंदर दिक्कत हो या प्लग के अंदर दिक्कत हो, तो वो क्या दिक्कत है। चलिए दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं इसके करंट वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ना मैंने टैंकी हटा ली, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी बार मेहनत करनी पड़ रही है, कभी टैंकी लगानी पड़ रही है कभी हटानी पड़ रही है, तो बात छोड़ते हैं उसकी हटाओ। अब बात करते हैं इसकी, जैसे आपको बताया इसके अंदर तीन स्पार्क प्लग होते हैं, तीन ही मतलब एक एसटी कॉइल में दो लीड होती है और एक एसटी कॉइल में सिंगल लीड होती है। तो हम जो है इसका करंट चेक करेंगे और मेन स्पार्क प्लग आपको मैं बता दूँ, ये देखो इतने अंदर होता है इसके, जैसे कि आपको नज़र आएगा यहाँ से ये देखो ये हट जा भाई यहाँ से ये देखो ये इसका मेन प्लग, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर ये राइट और लेफ्ट साइड दोनों स्पार्क प्लग है। तो मेन स्पार्क प्लग की जो लीड है
एस टी कॉल जो ये पहली लीड का जो है करंट चेक करेंगे, ठीक है। तो निकालो अख्तर भाई, निकालो यार, तुम निकालो, करंट चेक करते हैं इसका कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, और फिर देखते हैं आके दिक्कत क्या है इसके अंदर, आखिर प्रॉब्लम पकड़ने जा रहे हैं हम फटाफट। तो इसमें करंट का मेन चीज़ है चेक करना, वो जरूरी है करंट को ना। हाँ करंट तो बहुत चेक कर लिया, सारा कुछ चेक हो गया, बस करंट रह गया था भी। तो करंट मेन वाली लीड का चेक करते हैं ना। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मारो, ये देखो करंट भी बढ़िया आ रहा है, फर्स्ट क्लास करंट सही आ रहा है। अब करंट भी ठीक आ रहा है, तो अब क्या बचता है इस गाड़ी में, चलो देखते हैं, चेक करते हैं और कुछ। अब मुझे लगता है कि ना ये मेन वाले प्लग का करंट तो हमने चेक कर लिया, एक बार राइट लेफ्ट वाले को दोनों का करते हैं करंट क्या उनमें भी आ रहा है, जैसे कि हमारी एक एस टी कॉल है ठीक है, यहाँ पे दूसरी वाले को चेक करते हैं। फ्यूल पंप चेक कर लिया, एयर फिल्टर चेक कर लिया, बैटरी चेंज कर दी, और ये जो प्रॉब्लम है ये हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और क्या लगता है किधर कुछ लग रहा है, इंजन इंजन की दिक्कत तो नहीं आएगी? ये तो बाद में बात है, पहले गाड़ी ढंग से स्टार्ट तो हो एक बारी। हाँ बस एक बार स्टार्ट हो जाए, चलो तो फटाफट से चेक करते हैं इसकी दूसरी राइट लेफ्ट वाली जो है कॉइल एंड में, देखते हैं करंट निकालो यहाँ से। तो देखो ये निकल गया, फटाफट से निकालो भाई वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, और इसलिए हमें थोड़ा कट टू कट भी करना पड़ता है। लगाओ अरे ये क्या हुआ भाई साहब, इसमें तो करंट नहीं आ रहा, ध्यान से मारो, बिल्कुल नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी इन करंट आ रहा, मतलब इसके अंदर जो है करंट नहीं आ रहा है। तो हो सकता है हमारी जो एस टी कॉल है ये वाली तो ठीक थी, ये वाली एस टी कॉल है इसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर इसके अंदर करंट नहीं आ रहा तो इसमें भी नहीं आएगा करंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन एक बार चेक कर लें इसको। हाँ चेक कर लें, कोई चलो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखा दें, जब अगर मैं आपको बता देता हूँ अगर एक लीटर में करंट नहीं आ रहा तो दूसरी में भी नहीं आएगा। जो मेन वाली वो सिंगल में है, जो लेफ्ट वाली एस टी कॉल है उसके अंदर दोनों तारें होती है, अगर एक में करंट नहीं आ रहा तो दूसरे में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। लगाओ भाई दिखाओ एक बार, सेल मारो यहाँ से भी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वायरिंग के अंदर इश्यू लग रहा है मुझे, या फिर एस टी कॉल के अंदर, बस ये दो ही चीज़ है, दो ही चीज़ बचती है हमारी, एस टी कॉल और या वायरिंग। तो देखते हैं क्या, ये देखो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि इसके अंदर करंट नहीं आएगा, ठीक है छोड़ दो, बस सेल्फ मारने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस एस टी कॉल को खोल लो, फिर नया एस टी कॉल लेके आओ और उसे लगाओ फटाफट से, और फिर देखते हैं करंट आता है या नहीं आता है, फटाफट खोलो। चलो भाई ये देखो 8 नंबर का नीचे और 8 नंबर का ऊपर, ऊपर वाले में अर्थ भी लगा होता है, तो फटाफट से खोलते हैं एस टी कॉल को और फिर चेक करते हैं दूसरी एस टी कॉल लगा कर इसके अंदर। क्या बस हटाओ एक मिनट, लगा दिखाओ 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 तारे वारे सब। चलो ये क्या है, एक मिनट भाई ये क्या, एस टी कॉल चेंज करने से पहले ये देखते हैं ना प्रॉब्लम कुछ है क्या। ओ भाई तार कटी हुई है, और ये तार एस टी कॉल की है भाई, ये देखो यहाँ से आ रही है कंटिन्यू इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, देखो मतलब यहाँ आके पता लगे इसकी जो वायरिंग है खट गई है, जैसे कि आपने भी देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा पकड़ने में। ये देखो एस टी कॉल नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे तारों को जोड़ेंगे, जैसे कि आपने फ्यूल पंप चेक कर लिया, बैटरी चेंज कर दी, एयर फिल्टर चेक कर लिया। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम बड़ी होती है या नहीं होती है फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, बस जितना टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों ये आखिरकार हमारी जो मेहनत है रंग लाई, आप देख सकते हो यहाँ पे वायरिंग जोड़नी है इसकी, ठीक है। ऐसे अंदर थी मतलब छुपे था, ऐसे कर दिया पता भी नहीं लग रहा है, टूट गया। हाँ बिल्कुल भाई, ये ना वायरिंग भी ऐसे छुपी थी, अगर हमें वायरिंग दिख जाती तो हम वायरिंग ही कर देते हैं, पता ही नहीं लगा किसी को दूर से। अगर हम अब तो भाई अगर कहते नहीं है प्रॉब्लम पकड़ने के बाद तो ऐसे लगता है हलवा ही, तो ये तो कुछ नहीं थी, ऐसे ही होता भाई अगर बिल्कुल, जैसे ये प्रॉब्लम अभी मैं यहाँ से दिखाऊंगा और आप देखोगे, मैं खुद हैरान हूँ कि अरे तो बड़ा आसान था, लेकिन जब तक नहीं पकड़ में आती है तब तक भाई बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है वाली, बिल्कुल बड़ी लगती है भाई। हम पकड़ लेते हैं, अबे यार ये तो वायरिंग कटी हुई है, बस वायरिंग जोड़नी थी, खत्म प्रॉब्लम भाई। लेकिन जो बाइक या मैकेनिकल के जो प्रोसेसर है ना वो डायरेक्ट ऐसे नहीं है, इस वाली बाइक में जो प्रॉब्लम थी जो फॉल्ट था वो यहाँ पे वायरिंग कट चुकी है और काटी नहीं गई है, ये चूहे ने काटी है। देख जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीट वगैरह चूहे की मतलब लेटरिंग वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो आप चूहे के पैर वगैरह। चलो दोस्तों वायरिंग को फटाफट से जोड़ते हैं और ध्यान से जोड़नी पड़ेगी, एक एक कलर कोड मिलाना पड़ेगा, अगर कलर कोड भी 19-20 हो गया तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। वायरिंग को जोड़ते हैं यहाँ पर फटाफट। और दोस्तों सबको पता होता है कि फिल्म के अंदर फिल्म देखने जाते हैं कि हीरो जो है विलन को मारेगा, लेकिन फिर भी फिल्म देखनी है कि लास्ट में होना क्या है। तो ऐसा ही इस प्रॉब्लम के साथ हुआ है कि लास्ट में होना क्या है, और जैसे कि आपको नज़र आ गया जो वायरिंग है कटी हुई है, वायरिंग जोड़ेंगे और फिर देखते हैं स्टार्ट करके क्या स्टार्ट होती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है तारों को जोड़ दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो आप क्यों ना एक बार इसमें सेल्फ मारा जाए और इसका जो करंट को चेक किया जाए, ठीक है। चाबी को ऑन करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो अब मारता हूँ इसमें सेल्फ, करंट चेक करो। वाह ओहो गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, करंट भी आ गया, देख रहे हो
तो ये देखो करंट, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा करंट आ चुका है, बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया, वायरिंग जो कटी हुई थी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं वायरिंग आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने जोड़ी यहाँ पे। ये देखो वायरिंग एकदम फर्स्ट क्लास, टेपिंग वेपिंग करके बढ़िया करके लगा दी यहाँ पे, ठीक है। ये जो है कंप्लीट होती है और प्रॉब्लम जो है पकड़ में आ गई है, और दिक्कत ही बाइक ना स्टार्ट होने की, बाइक भी जो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।